छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव और यूनियन क्लब के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा ने बुधवार को 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर यूनियन क्लब में ध्वजारोहण किया। इसके बाद वे ओलंपिक संघ कार्यालय पहुंचे, जहां उनकी मौजूदगी में छत्तीसगढ़ शतरंज संघ के महासचिव विनोद राठी ने तिरंगा फहराया। इस दौरान यूनियन क्लब और ओलंपिक संघ कार्यालय में मौजूद लोगों के साथ ही प्रदेश व देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर श्री होरा ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरह से खेलों का विकास कर रहे हैं, उससे प्रदेश के प्रतिभागियों में एक विश्वास कायम हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में तीरंदाजी के लिए नया दरवाजा खोल दिया है। अब प्रदेश में राज्य स्तरीय तीरंदाजी अकादमी का उदय प्रदेश के खिलाड़ियों को बेहतर अवसर प्रदान करने वाला साबित होगा। यूनियन क्लब में नई कार्यकारिणी गठन के बाद आज पहला संविधान दिवस 26 जनवरी को अध्यक्षीय कार्यकाल में पहला झंडारोहण। आज के मुख्य अतिथि विक्रम सिसोदिया जी थे, जो कि हमारे टेनिस के बहुत स्टार खिलाड़ी हैं और हमारे टेनिस संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। उनके आतिथ्य में आज हमने झंडा वंदन का आयोजन यहाँ पे किया और मैं इस अवसर पर समस्त छत्तीसगढ़वासियों को देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य के अवसर पर झंडा वंदन कार्यक्रम में आज झंडा वंदन कार्यक्रम में यूनियन क्लब के अध्यक्ष गुरचरण होरा जी, महासचिव गिरीश अग्रवाल जी, अतुल शुक्ला जी यहाँ उपस्थित पूरी कार्यकारिणी के सदस्यों के बीच में आज झंडा वंदन का कार्यक्रम हुआ। और यूनियन क्लब जो है हमेशा खेलों की गतिविधि में अग्रणी रहा है और न केवल टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और सभी खेलों में यहाँ पर खिलाड़ी आके खेलते रहते हैं। कोचिंग भी अच्छी चलती रहती है, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में गुरचरण सिंह होरा जी के नेतृत्व में यूनियन क्लब न केवल प्रदेश में बल्कि देश में भी नाम रोशन करेगा। और आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। धन्यवाद।